इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली है कि सबके पास सब कुछ है लेकिन दिल सबका खाली है। बहुत मुश्किल होता है वो लम्हा जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी मजबूरी बन जाए। भूलना और भूल जाना ये तो बस एक वहम है दिल का, भला कौन निकलता है दिल से एक बार बस जाने के बाद। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको उन लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद कुछ नहीं जानते हैं। दूसरों को कब तक मनाते रहोगे, कभी खुद से भी पूछ लिया करो कि आपका हाल कैसा है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। बस दो ही इंसान ताकतवर होते हैं, एक बदला हुआ इंसान और एक अकेला इंसान। लोग शोर से जाग जाते हैं, मुझे एक इंसान का खामोश रहना सोने नहीं देता। इंतजार इतना भी नहीं होना चाहिए कि मिलने का मोह ही खत्म हो जाए। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कुछ चीजों का जिंदगी से जाने में ही भलाई है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है, सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ना जाने क्यों इतना दर्द देती है ये मोहब्बत कि हंसता हुआ इंसान भी मौत की दुआ मांगता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। कुछ मतलबी लोग आ जाते हैं जनाब, वरना जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। वादे करना तो खूब जानते थे तुम, काश उसे निभाना भी जानते। जीवन के प्रति जिस इंसान को सबसे कम शिकायतें हैं वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी होता है। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वो तुम्हें पागल ही समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है साहब, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से बिल्कुल भी मत करना। याद रहेगा ये दौर भी हमें उम्र भर के लिए कि कितना तरसे हैं हम जिंदगी में एक शख्स के लिए। लोगों की बात में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जिंदगी में दिल का टूटना भी अच्छा है क्योंकि अगर आप टूटेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे। जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती रहती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो लेकिन आखिर में वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे अपने कभी नहीं बन सकते। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो लेकिन अपने गम, अपने दर्द, अपना दुख सिर्फ भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। कुछ ऐसे हो रहा है रिश्तों का विस्तार जिससे जितना मतलब उससे उतना प्यार। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाता है। उदासी तुम पर भी बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। मुझे मत सिखाइए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझसे सीखिए कि जिंदा रहकर गम को कैसे पीते हैं। महसूस कर रहे हैं तेरी लापरवाही कुछ दिनों से, याद रखना अगर हम बदल गए तो मनाना तेरे बस की बात नहीं है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते। वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ही ना समझ पाओ। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और उसका प्रसन्न मन है। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। अक्सर वही दिए हाथों को चला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। यूं तो भूले हैं हम कई लोग पहले भी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कोई याद नहीं आया। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता। पैसों के पास जुबान तो नहीं है पर वो बोलता बहुत कुछ है। बिना आवाज के रोना रोने से ज्यादा दर्द देता है। धोखेबाज लोग धोखा देंगे और फिर बाद में अपनी मजबूरियां गिनाएंगे। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। जब इंसान का वक्त बदलता है तो गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। रात के 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के 12 बजा दिए हों।
अगर तुम्हारी नीयत सही है तो आपको गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि हम सफर कैसा होना चाहिए। मैंने कहा हम सफर ऐसा होना चाहिए जो एक बार अगर तुम्हारा हाथ थाम ले तो फिर कभी ना छोड़े, तुमसे रिश्ता कभी ना तोड़े, चाहे सारी दुनिया तुम्हें गलत कहे लेकिन अपना भरोसा वो तुम पर कभी ना तोड़े। मतलब से मिलने वाले लोग किसी से मिलने का मतलब कभी नहीं समझ सकते। याद रखना एक बात, आपकी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वही रिश्ता ज्यादा सफल रहता है जहाँ पैसों का लेन देन कम और प्यार का लेन देन ज्यादा रहता है। आपको जब किसी के साथ फासला महसूस होने लगे तो आपको फासला बना भी लेना चाहिए। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली है कि सबके पास सब कुछ है लेकिन दिल सबका खाली है। बहुत मुश्किल होता है वो लम्हा जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी मजबूरी बन जाए। जो मुझे रोते हुए देखकर खुद रो पड़े, मुझे एक ऐसा हम सफर चाहिए। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। भूलना और भूल जाना ये तो बस एक वहम है दिल का। भला कौन निकलता है दिल से एक बार बस जाने के बाद। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको उन लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद कुछ नहीं जानते हैं। दूसरों को कब तक मनाते रहोगे? कभी खुद से भी पूछ लिया करो कि आपका हाल कैसा है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। बस दो ही इंसान ताकतवर होते हैं, एक बदला हुआ इंसान और एक अकेला इंसान। लोग शोर से जाग जाते हैं, मुझे एक इंसान का खामोश रहना सोने नहीं देता। इंतजार इतना भी नहीं होना चाहिए कि मिलने का मोह ही खत्म हो जाए। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कुछ चीजों का जिंदगी से जाने में ही भलाई है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने क्यों इतना दर्द देती है ये मोहब्बत कि हंसता हुआ इंसान भी मौत की दुआ मांगता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। कुछ मतलबी लोग आ जाते हैं जनाब, वरना जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। वादे करना तो खूब जानते थे तुम, काश उसे निभाना भी जानते। इन दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख की और दूसरों के सुख की, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एक झूठ 100 झूठ बुलवाएगा, तुम सच बोलना, देखना समझने वाला जरूर समझ जाएगा। जीवन के प्रति जिस इंसान को सबसे कम शिकायतें हैं वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी होता है। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है क्योंकि करीब आकर लोग सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो जाओ कि वो तुम्हें पागल ही समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज है साहब, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से बिल्कुल भी मत करना। याद रहेगा ये दौर भी हमें उम्र भर के लिए कि कितना तरसे हैं हम जिंदगी में एक शख्स के लिए। लोगों की बात में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जिंदगी में दिल का टूटना भी अच्छा है क्योंकि अगर आप टूटेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे। जो अपनी औकात नहीं बना पाता उसे या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती रहती है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो लेकिन आखिर में वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे अपने कभी नहीं बन सकते।